नमस्कार जय जगन्नाथ। काफी दिनों के बाद मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। एक्चुअली ये ब्लॉग जो है ये बहुत स्पेशल होने वाला है। एक्चुअली मैं कभी ब्लड डोनेशन कैंप में कभी गया नहीं था, तो पता नहीं क्यों आज एक अंदर से बात है कि चलो एक छोटा सा कंट्रीब्यूट कर लें। एक्चुअली क्या है, इंडिया में पर डे 12,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत होता है बिकॉज ऑफ ब्लड, क्योंकि इंडिया में काफी ब्लड की शॉर्टेज है। वैसे तो इंडिया में 15 मिलियन यूनिट पर डे का नीड है, लेकिन वही 11 मिलियन 12 मिलियन के आसपास हो जाता है। मे भी ये जो मैं बता रहा हूँ मे भी ये गलत हो सकता है, आप चाहो तो गूगल में चेक कर देना। तो अब जो मेरा छोटा भाई है वो ब्लड डोनेशन किया है काफी बार, उसने मेरे को बहुत बार बोला कि भाई तू कभी ना कभी ब्लड डोनेशन कर, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए, किसी की जिंदगी बच जाए। लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि अंदर से एक डर लगता था कि भाई अगर ब्लड डोनेशन करें तो मतलब एक वीकनेस फील होगा या कुछ दिक्कत हो जाएगा। तो पता नहीं क्यों अंदर से एक आवाज आया कि चलो भाई एक ब्लड डोनेशन कर लेते हैं। तो आज इसका एक्सपीरियंस में बताऊंगा कि ब्लड डोनेशन का जो फायदा है और उसमें मतलब ब्लड डोनेशन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स एक्चुअली काफ़ी आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, अब क्या पता हम लोग को रास्ते में कहीं पे भी अगर पुलिस ने रोक लिया तो देखिएगा, हम अच्छे काम करने के लिए जा रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। तो जो बीजेपी के जो ऑफिस है एक्चुअली वो नारायणपुर के पास है, तो यहाँ से लगभग वही 3 या 4 किलोमीटर लगेगा। तो कितना टाइम लगता है अब वो अभी तो आपको पता है कि बुलेट नहीं है मेरे पास, स्कूटी से जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो आपको पता है काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन आज एक मौका मिला। एक्चुअली मौका कैसे मिला, मेरा जो एक भैया है हेमंत भैया, उन्होंने बोला कि भाई तू 10,000 फॉलोअर कर तेरे को एक कैमरा गिफ्ट करूँगा। तो मैं बोला चलो भाई आज तो ऐसे भी कुछ काम के लिए स्पेशल काम के लिए जा रहा हूँ, तो इसका वीडियो क्यों ना बनाते हैं। तो अभी उसका वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप तो देख रहे हैं। और मेरा एक जो चैलेंज क्या है, मेरा जो भैया है जो उनका चैलेंज क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैलेंज उनका ये है कि 2 महीने में मेरे जो सब्सक्राइबर हैं अभी वही 4,500 के आसपास हैं, तो वहाँ से लेके 10,000 तक पहुँचाना है। अब काफ़ी दिनों से चैनल बंद था, मतलब वीडियो ज़्यादा नहीं बना रहा था, तो इसलिए चैनल क्या हुआ ना डाउन हो गया था। तो अभी आप मेरे जितने भी सब्सक्राइबर मेरे जितने भी फ्रेंड हैं आपको अब सपोर्ट करना है कि किस तरह मेरे 10,000 फॉलोअर मतलब 2 महीने में हो जाए। तो उसमें आप लोगों का क्या फ़ायदा है, हाँ आप उसमें ऑब्वियसली आपका दोस्त का इम्प्रूवमेंट कुछ हो जाएगा और मेरे को एक कैमरा मिल जाएगा और गिव अवे का एक छोटा सा मैं रखूँगा कुछ गिव अवे, बस उतना ही दोस्तों। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहुँच गए बीजेपी का जो ऑफिस है। इतना गाड़ी तो नहीं है, लोग आए हैं कि नहीं देखना पड़ेगा। वैसे मैं हेमरंजन भैया का एक्चुअली कॉल किया था मैं, तो उन्होंने बोला कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे आ गया हूँ तो जल्दी आ जा। ओ एक्चुअली हम लिटिल बिट वोरी ऑल्सो, क्योंकि कभी मैं ब्लड नहीं दिया था ना, तो एक डर सा है अंदर में, क्या पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब मेन जो अंदर में जो एक चीज़ है ना कि नहीं भाई आज तो ब्लड देना ही है, एक मतलब ब्लड तो डोनेट करना ही है। तो अब देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या क्या है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अभी मेरा हार्ट बीट धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्यों पता है, अब जो नीडल है ना मत डर सा लगता है यार, कितना जोर मतलब जो इंजेक्शन लगता है ना उसी टाइम में, मतलब जितने भी लोग माइंड में एक होता है कितने जोर से झटका लगेगा ये मतलब धीरे से या जोर से, अब डिपेंड करता है वो नर्स या डॉक्टर जो भी हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ देयर एक्सपीरियंस देन इट विल बी गुड, अदरवाइज आपको पता है ये सबको एक्सपीरियंस होगा, वही उसी टाइम पे ही आपको दिक्कत होता है। लेट्स सी।
एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बोलते थे कि वीकनेस फील होगा, लेकिन मुझे तो कुछ वीकनेस जैसे फील नहीं हो रहा है। 20 मिनट ये जो ऐसे रखने के लिए बोला है जो डॉक्टर थे, मतलब जिसने बोर्ड लिए उन्होंने बोले कि 20 मिनट रखने के लिए ताकि ब्लड पास ना हो। ठीक, अब एक छोटा सा बाइट लेंगे मैं जो है सब जो है उनसे, एक छोटा सा बाइट लेंगे इसके बाद अपने 10 मिनट के बाद। पता नहीं ये अमूल कुल क्यों देते हैं, मुझे लगता है शायद एनर्जी की कम होने के बाद, शायद लगता है कि एनर्जी कम होने के बाद ये देते हैं, लेकिन मेरा तो एनर्जी का कम नहीं हुई, फिर भी मिला ये अमूल कुल, थोड़ा सा ज़रूर पीना चाहिए। वैसे भी मेरा फेवरेट एक है अमूल कुल। सो फाइनली दोस्तों, जिस काम के लिए मैं आया था वो कम्प्लीट हो गया, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस में तो आप देख चुके हैं वीडियो में ऑलरेडी, तो क्या एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है मेरा। लेकिन कुछ बात है जो एक मेरे भैया हैं जो कि बीजेपी के बहुत बड़ा नेता हैं, उनसे भी कुछ सुन लेते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है जो ब्लड डोनेशन और ये जो ब्लड डोनेट का जो होता है इंपॉर्टेंस इंडिया में क्या क्या है उसका पूरा डिटेल्स में भी सुने गए हैं। बोलिए। मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जेम्स को, जिसने आज पहली बार ब्लड डोनेट किया और वो भी मेरे सोशल मीडिया पोस्ट को देख के आज पार्टी ऑफिस, भाजपा के पार्टी ऑफिस के उजर में आके खुद अपने आप से बोला, भैया मैं पहली बार ब्लड डोनेशन करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और दूसरा बात यह सोसाइटी के लिए भी बहुत प्रेरणादायक बात है, क्योंकि ऐसे नौजवान अगर निकल के खुद ब्लड देने आएंगे तो जो ब्लड का स्कार्सिटी है कोरोना के समय में, जो लोग सोच रहे हैं कि हम मेडिकल नहीं जाएंगे, मेडिकल में ब्लड देंगे तो शायद हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं कोरोना से, ये डर का माहौल में जो ब्लड की स्कार्सिटी है ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इस माहौल में। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे नौजवानों को। थैंक यू।